नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप हरियाणा से पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उस दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान। क्योंकि दोस्तों अभी डिप्लोमा के जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकाली है पीडीएफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन वेबसाइट से ये फॉर्म निकाले हैं, जो कि आपका डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस है 2023 का, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑनलाइन अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। यानी कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है पीडीएफ फॉर्मेट में, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी कि हरियाणा को छोड़कर शिमला, ठीक है, तो आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए दोस्तों, अगर आप एससी, एससीडी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम, एफएफ, पीएच या फिर अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 10th पास की है या फिर आपने 12th पास की है, मैट्रिक या फिर इंटर, तो उसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आपने 10th पास की है तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर आपने 12th पास की है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी होगा, काफ़ी स्टूडेंट के पास ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे 10th या फिर 12th का, जिस भी बेस पर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निकल में। अगर सेकेंड ईयर में लेना चाहते हैं उसके पास 12th का होना चाहिए, अगर वो 10th बेस पर डिप्लोमा करना चाहता है तो उसके पास 10th वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके यानी कि 3 ईयर का डिप्लोमा होगा। आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि सर, हमने अभी एग्ज़ाम दिए हैं और हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उस दौरान आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो रिज़ल्ट जो आपका आएगा उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, या फिर उसकी जो कॉपी होगी उसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, जब अगर आप पास आउट हो जाते हैं 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में। अगर आपके पास 12th क्लास में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी है, तो आप सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कर सकते हैं पॉलिटेक्निकल में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो यहाँ पर आपसे मांगा गया है सर्टिफिकेट, वो मांगा गया है एनुअल आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ बीसीए, बीसीबी एंड टीएफडब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है। इस केस में आपसे एनुअल सर्टिफिकेट मांगा गया है दोस्तों। एनुअल सर्टिफिकेट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हो, वहीं पर आपका बनेगा कोर्ट कचहरी में। और ये जो सर्टिफिकेट होता है एनुअल सर्टिफिकेट, ये आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने के बाद वाला नहीं चलता एनुअल सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी इतनी ही होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, इन केस ऑफ कश्मीर, यानी दोस्तों ये कश्मीर के लिए, अगर कोई कश्मीर से बंदा बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो डिप्लोमा करना चाहता है। और वो देखिए, जो कमिश्नर है, रिलीफ कमिश्नर, उससे भी
यानी कि सिग्नेचर वगैरह उस पर होने चाहिए, ये कश्मीर के स्टूडेंट के लिए अगर वो हरियाणा से डिप्लोमा करना चाहते हैं। उसके बाद लिख रहा है इन केस ऑफ एच जी एस टी, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं कैटेगरी इन डिप्लोमा इंजीनियर, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि एच जी एस टी कैटेगरी में आता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि एच जी एस टी का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है हाई, इसका मतलब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वर्ड मीनिंग क्या है, मैं पेज पर चलता हूँ 07 पे, और यहाँ पर है लिखा हुआ है उसका मतलब ये रहा यहाँ पर, इसका मतलब जैसे आप देख रहे हैं H, यानी कि H का मतलब हरियाणा, G का मतलब गवर्नमेंट, और S का मतलब स्कूल, और T का मतलब टॉपर, यानी कि जो स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जिनका टॉपर में जिन्होंने पास, जैसे कि अब रिजल्ट आया और टॉपर में उसका नाम आया है, तो वो अपना यहाँ पर उसकी कैटेगरी अलग होगी, उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा, यानी उसको मनचाही सीट मिलेगी जिस भी कॉलेज में वो लेना चाहता है। तो ये प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर गवर्नमेंट द्वारा क्लियर फाई होना चाहिए टॉपर, तो वो कॉपी उसको अटैच करनी पड़ेगी जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आप हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर पेज नंबर 15 पे, जो कि आपके लिए मैंने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पेज निकाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर करना चाहते हैं तो वो आपका 3 साल का रहेगा और सेमेस्टर बेस रहेगा कोर्स आपका, इसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ आपको नंबर 21 पेज पे लेकर, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो लेटर एंट्री बेस पर, तो आपका डिप्लोमा 2 साल का रहेगा, सेमेस्टर बेस कोर्स रहेगा। और इसमें कुछ देखिए बताया गया है कि अगर आपके पास प्लस टू के अंदर 12th क्लास के अंदर अगर आपने एग्जामिनेशन पास की है, प्लस टू क्लास पास की है, तो आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए था, तभी आप लेटर एंट्री में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि 12th क्लास में फिजिक्स, मैथ, PCM होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, ये जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए आपके पास, तभी आप सेकेंड ईयर में यानी कि आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपके पास अगर आपने 10th के बाद ITI की है 2 साल की, तब भी आप सेकेंड ईयर में ले सकते हो। या फिर अगर आपने NSQF लेवल 4 का कोई भी कोर्स किया हो, तब भी आप डिप्लोमा इंजीनियर कोर्स कर सकते हैं सेकंड लेटर एंट्री बेस पर, ठीक है, जो कि आपका 2 साल का रहेगा। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 40 नंबर पेज पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ कैंडिडेट वांट टू चेंज हिज हर रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की बोर्ड में आप कॉल कर सकते हो। ये उनका नंबर है 1800137 3735, ये उनका नंबर है, तो आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ 10 नंबर पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी आपकी वो होगी ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप जनरल को छोड़कर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसकी ₹700 है, यहाँ पर लिखा है SC से बिलोंग करते हो जनरल को छोड़कर, या अगर आप गर्ल हो ESM से बिलोंग करते हो, KM से बिलोंग करते हो, इनका मिलिंग मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको, इनका मिलिंग आप देख सकते हैं, SC, SCD, BC का मतलब क्या होता है वो मैं आपको चलता हूँ लेकर 7 नंबर पेज पे। तो यहाँ पर वो लिस्ट आपको दी गई है कि इनका मतलब क्या है, तो ये मीनिंग दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ESM का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन एंड देयर वर्ड्स ऑफ हरियाणा, KM का मतलब होता है कश्मीर माइग्रेंट, और TFW का आप मतलब देख सकते हैं ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, तो इसका मतलब ये होता है, और EWS का मतलब होता है
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये सभी यहाँ पर मैंने आपको वर्ड मीनिंग इनके बता दिए हैं, तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको बता दी है, मैं चलता हूँ आपको लेकर 38 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर लिखा है द एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एडमिशन इज अंडर। देखिए सबसे पहले जब फॉर्म निकलेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले ये आपको 3 वेबसाइट दी है, तो आपको यहाँ पर विजिट करना, अपने मोबाइल फ़ोन से भी एडमिशन कर सकते हैं, लैपटॉप से आज के टाइम में। यहाँ पर आपको साइन इन करना है इन वेबसाइट पर, जैसे यहाँ पर लिखा www.hstes.org.in www.admission.hry.gov.in www.edu.hry.gov.in। तो ये वेबसाइट आपको दी गई है, इन पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपका एडमिशन होगा, techadmission.hry.gov.in यहाँ पर आपका एडमिशन होगा इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको साइन इन करना है, उसके बाद साइन इन करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं। और फीस आपको मैंने बता ही दी है कि कितना फीस लगेगा। इसके अलावा अगर दोबारा से प्रोस्पेक्टस आएगा वो भी मैं आपको रिव्यू कराऊंगा। ये 2022-2023 का प्रोस्पेक्टस है, और अभी 2023-2024 का आने वाला है। पिछले साल 1000 या फिर 700 रुपये फीस थी रजिस्ट्रेशन की, अब की बार थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद यानी कि ये आपका जो प्रोसेस चलेगा, आप सीरियल वाइज देख सकते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों जो आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा वो आपका लगभग 2-3 मंथ चलेगा, उसके बाद आपका फाइनली एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, और इसमें आपकी 2-3 काउंसलिंग चलेंगी, 10th बेस पर या फिर 12th बेस पर। और काउंसलिंग के दौरान आपको सीट मिलेगी कि आपको किस कॉलेज में आपको सीट लेनी है, वो आपको आपसे पूछेंगे। यानी ऑनलाइन ही सारा काम होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज पसंद है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो कॉलेज आपको इसी वेबसाइट पर, टेक एडमिशन वेबसाइट पर फिलअप करने हैं। और कौन से ट्रेड आपको पसंद है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सिविल, जो भी आपको पसंद है वो आप अपनी चॉइस रखिएगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उसके हिसाब से आपको कॉलेज में सीट मिलेगी। पिछले साल काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर जब आपका एडमिशन फाइनल हो गया था कॉलेज में, सारी वीडियो मैंने कवर की थी। पिछले साल मेरे ब्रदर का एडमिशन हुआ था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सभी तरह की वीडियो बनाई थी। आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि सर क्या हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पिछले 2 सालों से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपके 10th में या फिर 12th में जितने भी मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया है। अगर आज से 2-3 साल पहले बात करूं, उस टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए करते थे और रैंक आता था उसके आधार पर आपको हरियाणा पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। लेकिन पिछले 2 सालों से 10th क्लास में जितने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे उसके हिसाब से आपका रैंक तैयार होगा, और रैंक जितना आपका अच्छा आएगा, जितना कम आपका रैंक आएगा, 1, 2, 3, वैसे रैंक हज़ारों में जाता है, 10,000, 20,000 वो आ जाता है आपके नंबर वाइज। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपका रैंक 10,000 से ऊपर जाएगा। जितना आपके नंबर ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रैंक आपका आएगा, जितना कम रैंक होगा उतने चांस आपको ज़्यादा मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा जो भी जिस फील्ड में आप क्लास करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पास आउट करना चाहते हो, वो फील्ड आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, आपके जितने डाउट हैं वो उसको सभी क्लियर कर दिया है। जो मेरे मन के अंदर क्वेश्चन थे वो आपके भी थे, वो भी मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल आराम से। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। काफ़ी लड़के मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि सर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे हमें पता लगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब एक छोटी सी बात और याद आ गई है, जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैंने आपको बताए हैं,
इसके अलावा एक फैमिली आईडी का ऑप्शन भी आया होता है ऑप्शन, जिसमें आपको फैमिली आईडी भरनी होती है। अब देखिए हरियाणा में जो भी लड़के हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर लड़कियां स्टूडेंट, उनके पास फैमिली आईडी होगी, क्योंकि हरियाणा में फैमिली आईडी सबकी बनी हुई है। फैमिली आईडी एक 6-8 अंकों का नंबर होता है, जिसमें परिवार का सारा बायोडाटा होता है, वो फैमिली आईडी यहाँ पर बोली जाती है हरियाणा में। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा को छोड़कर पंजाब, तो वहाँ पर तो फैमिली आईडी है ही नहीं, तो वो वहाँ ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हो, या फिर NA लिख सकते हो, या फिर वहाँ पर कुछ और कॉलम बना होगा, पिछले साल तो नहीं था लेकिन कुछ और कॉलम बना होगा, तो वहाँ पर वो आप फिलअप कर सकते हैं। वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों ये तक सारा इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल पर, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।